अरे एक हम को कोई रिवाइव दे दे, मर जाना। नौ कुआ नहीं है। तो भाई कैसे हो? तो आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो लेकर वापस। राज में आया था पोचिंग गेम में। तो भाई देखो, पहले तो ये गेम थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन बाद में मज़ा आएगा बहुत, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और पहले तो मुझे कोई भी एयर गन चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पर लूट कर रहा था। और यहाँ से मुझे एक गेम भी मिल जाती है, और यहाँ सामने से थोड़ी देर पहले फायर भी हुआ था, इसलिए हम सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो मैं थोड़ी देर यहाँ होल्ड करता हूँ और बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए हम सीधा रश करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ आते ही मुझे सामने बंदा दिख जाता है और इसे तो आराम से नॉक कर देता हूँ। और मुझे लगता था कि इसका टीममेट भी यहाँ होगा, और पहले इसे मार देता हूँ। और यहाँ पर अब मेरा शक पूरा यकीन में बदल चुका था। और यहाँ आते ही मुझे बंदा दिख जाता है और इसे आराम से मार देता हूँ। और इस वाले बंदे के पास तो गन ही नहीं थी। अब यहाँ पर एक और आखिरी टीम बची हुई थी। और यहाँ से मुझे सामने बंदा भी दिख जाता है। रिवाइव करने के बाद हम सीधा रश कर देते हैं। और इन दोनों बंदों को नॉक कर देते हैं। पासर में अब आप पासर ही पर से मिला हमें वाला घर में। अब इस टीम का आखिरी बंदा बचा था और वो सामने वाले घर के अंदर था। और यहाँ पहले तो मैं इस पर फायर करने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसे सिर्फ थोड़ा डैमेज होता है, और यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ। और यहाँ बोट मारने के बाद हम यहाँ से निकल लेते और आ जाते रोजक की तरफ। और यहाँ पर फ्लेयर भी चली हुई थी, इसलिए हम यहाँ पर आ जाते। और पीछे से मुझे एक गाड़ी भी जाती हुई दिख जाती है। और यहाँ आते ही अंदर स्कूल के अंदर बंदे भी दिख जाते। और वहाँ पहाड़ी पर भी एक बंदा मुझे दिख जाता है। और यहाँ पर हम दोनों साइड से फंस चुके थे, इसलिए हमें पहले तो यहाँ से निकलना था। गाड़ी भी आओ निकलो निकलो फाइट मिलो गाड़ी भी आओ जल्दी भैया।
इसलिए हम यूज़ लेके यहाँ से दूर चले जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे दूर एक बॉट भी दिखाई दे जाता है और इसे तो आराम से मार देता हूँ। पर यहाँ थर्ड पार्टी करने के लिए हम सीधा रोजॉक की पहाड़ी पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉप पे भी फाइट चल ही रही थी और हम थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे थे। पर यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक भी कर देता हूँ, तभी एक और टीम यहाँ पर आ जाती है। पर भाई अगर मैंने ये वाले स्क्वाड को अकेले ही मार दिया तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और ये वाला क्लच कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना। और यहाँ फटाफट अपनी हेल्थ को रिकवर करने के बाद सीधा जोन की तरफ निकल लेते हैं। और यहाँ पर हमें सामने एक यूएस दिख जाती है, इसलिए हम सीधा यहाँ पर रुक जाते हैं। और इस वाले बंदे को भी आराम से मार देता हूँ। और भाई यहाँ पर मेरे पास कंपनसेटर नहीं था, इसलिए स्कोप इतना ज्यादा हिल रहा था। और यहाँ से मुझे बंदे के हल्के से फुटस्टेप यहाँ पर सुने दे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ सीधा कवर में चला जाता हूँ और इस वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ। तभी एक और स्क्वाड यहाँ से गुजरती है, लेकिन मेरा ध्यान तो पूरा सामने वाली टीम पर था। और यहाँ पर ये वाली टीम भी पूरी फिनिश हो जाती है और आ जाते इस वाली जगह पे। और यहाँ से हमें बंदों के फुटस्टेप आ जाते हैं इसलिए, और हम सब यहाँ पर बहुत सारे नेड फेंकते हैं, लेकिन वो बंदे हिलने का नाम ही नहीं लेते। और यहाँ से इन दोनों बंदों को आराम से मार देते हैं। और हम यहाँ से भी अब सोन की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ पर सामने भी फाइट हो रही थी, इसलिए हम सीधा उस तरफ जाने की सोच ही रहे थे, तभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। और भाई अगर यहाँ पर हम सही टाइम पे यूएस में से नहीं उतरते तो शायद हम यहाँ तीनों मारे जाते। अब हम यहाँ पर दोनों साइड से फंस चुके थे, इसलिए हम ऊपर की तरफ जाने की सोचते हैं। और एक बंदा मुझे सामने दिख भी जाता है, लेकिन मैं उस पर फायर नहीं किया था। अगर मैंने उस पर फायर किया तो शायद वो हमें जोन के अंदर नहीं आने देगा। और यहाँ हम धीरे धीरे जोन में आ जाते हैं और वो वाला बंदा यहाँ पर ही लेटा हुआ था कहीं पर। और यहाँ पर मुझे हल्का सा वो बंदा दिख जाता है और मैं इसे आराम से नॉक कर देता हूँ और नॉक करने के साथ इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। लेकिन कंपोसिटर के ना होने के कारण मैं उस पर स्प्रे नहीं मार पाता।
और मैं आ जाता हूँ सीधा इस वाले पत्थर के पीछे। और यहाँ पर मैं बंदे को स्पॉट ही कर रहा था तभी M24 का बॉडी शॉट आता है और यहाँ से मैं सीधा भाग जाता हूँ। अब यहाँ पर बचे थे दो बंदे सारा अच्छा है यहाँ देखो। हाँ मुझे और पता तभी एक बंदे की लोकेशन भी टीममेट को पता चल जाती है और वो उसे आराम से नॉक कर देता है। और मैं यहाँ पर सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ। और वो बंदा मुझे सामने भी दिख जाता है और इसे आराम से मार देता हूँ। और इसी के साथ एक और चिकन डिनर।